हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुज फिजियो क्लासेस। एसडी कर्व एक फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा यूज किया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टूल है। वैसे तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एसडी कर्व की डिटेल चर्चा की हुई है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि क्या इस एसडी कर्व प्लॉटिंग के कुछ क्लिनिकल एडवांटेजेस होते हैं और क्या इसके साथ साथ इस टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और डायग्नोस्टिक टूल ये है, ये आपको पता चल चुका है, पर क्या इसे हम प्रोग्नोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे, इन सारी बातों पर एक डिटेल चर्चा होगी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ और समझ आने वाला है रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ये रहे थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स आफ्टर एसडी कर्व प्लॉटिंग। ये है नॉर्मल या फिर टोटल इनर्वेशन वाला कर्व, ये है टोटल डिनर्वेशन वाला कर्व और ये रहा पार्शियल इनर्वेशन या फिर पार्शियल डिनर्वेशन वाला कर्व। पार्शियल डिनर्वेशन के केस में कर्व का शेप इंडिकेट करता है कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ मसल फाइबर्स डिनर्वेटेड है। अगर ज़्यादा मसल फाइबर डिनर्वेटेड है फिर कर्व स्टिपली ऊपर जाता है और कर्व का ज़्यादा हिस्सा डिनर्वेटेड मसल की कर्व की तरह दिखता है। अगर ज़्यादा फाइबर्स इनर्वेटेड होते हैं फिर कर्व नीचा और फ्लैटन सा होता है और फुल्ली या नॉर्मली इनर्वेटेड कर्व से इसका ज़्यादा रिजेंबलेंस होता है। रेगुलर इंटरवल्स में अगर स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व की प्लॉटिंग करके नर्व की रीजनरेशन का अंदाज़ा हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। मतलब पहली बार जब एसडी कर्व की प्लॉटिंग कर रहे हो तब अगर ये कर्व डिनर्वेटेड मसल कर्व बना हो फिर सब्सिक्वेंट प्लॉटिंग के दौरान किंक दिखे तो हमें ये पता लगेगा कि यस, रिनर्वेशन या पार्शियल इनर्वेशन का एक संकेत हमें मिल रहा है। फर्दर इनर्वेशन का पता चलता है जब कर्व नीचे की ओर आता है यानी फ्लैटन हो जाता है और लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है। मैंने आपको कहा था डिनर्वेशन कर्व राइट की ओर होता है, तो जब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने लगे वी विल अंडरस्टैंड कि यस, ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब री इनर्वेशन स्टार्ट हो चुका है। इसकी ऑपोजिट फर्स्ट टाइम प्लॉटिंग पे इनर्वेटेड नर्व जैसा अगर कर्व बनता है और फिर आप नेक्स्ट टाइम जब प्लॉटिंग कर रहे हैं तो अगर किंक आ जाए उसमें, मतलब ये एक नेगेटिव बात होगी क्योंकि मसल पार्शियली डिनर्वेशन की ओर जा रहा है। सो प्रोग्रेसिव डिनर्वेशन का पता लगता है बाय किंक प्लस अगर कर्व में स्लोप की बढ़ोतरी हो या फिर कर्व राइट की ओर शिफ्ट कर जाए, मतलब पेशेंट का कंडीशन अब बिगड़ रहा है। तो एसडी कर्व प्लॉटिंग का एडवांटेज ये है कि ये एक सिंपल और रिलायबल मेथड है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन के केस में इससे प्रोपोर्शन ऑफ डिनर्वेशन का पता लगता है और सीरीज ऑफ टेस्ट करने पे नर्व डिजनरेशन या रीजनरेशन के चेंजेस का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी सिंपल टेक्निक है तो कोई भी आसानी से इसे सीख सकता है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता। डिसएडवांटेज होता है कि लार्जर मसल के केस में हो सकता है सारे मसल फाइबर्स रिस्पॉन्ड ना करें और एक क्लियर पिक्चर हमें ना मिले। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये टेस्ट साइट ऑफ नर्व लीजन को नहीं बता पाता, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे नर्व लीजन हुआ है ये हमें पता नहीं चलता। इसके लिए हमें फर्दर टेस्टिंग के लिए पेशेंट को भेजना होगा टू द न्यूरोलॉजिस्ट, जो शायद नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्टिंग करेंगे या फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा एवरीथिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसडी कर्व। इसी तरीके से मेरे चैनल के वीडियोस को आप चेक करते रहिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर नर्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट है फिर आपके लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के वीडियोस काफ़ी यूजफुल रहेंगे, और अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्ट्रीम के स्टूडेंट है फिर तो पूरा चैनल ही आपके लिए है। मैं हिंदी में सिंपल शब्दों में आप तक टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस को पहुँचाती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आता होगा। फीडबैक्स सही रहेंगे मेरे लिए, मैं अपने चैनल में और बेटर तरीके से आप तक बातें पहुंचा पाऊंगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।